सो नाउ वी हैव, बस एक चीज याद रखनी है कि ये पार्ट थोड़ा सा फास्ट है. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग कॉल्ड मेरा ना फ्रॉम सिद्धू मूसेवाला. तो ये गाना जो है वो डी माइनर स्केल में है. ओके, गाना वैसे तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है सीखने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. अगर आपने ओरिजिनल गाना सुना हुआ है अच्छे से, यू विल नोटिस कि उसमें काफ़ी फ्लूट के पीसेस है, बांसुरी जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइक दिस, राइट. सो इट साउंड्स वेरी नाइस वेन यू प्ले इट ऑन द फ्लूट. तो अगर आपके पियानो में फ्लूट का साउंड होगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हो. अगर आपके पास फ्लूट का साउंड नहीं है तो आप कीबोर्ड के साथ भी इसको अच्छे से प्ले कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके लिए नोट्स बनाए गए हुए हैं और वो नोट्स में अलग अलग कलर आपको दिख रहे होंगे. सो कलर इस तरीके से किए गए हैं कि हर एक कलर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट इज राइट, जिसको येलो कलर किया हुआ है, और दूसरा पार्ट इज सिंपली टू नोट्स. कुछ तीसरा अलग पार्ट आ गया तब उसको अलग कलर रहेगा. सो लाइन बाय लाइन, फ्रेज बाय फ्रेज इसको कलर किया गया है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाने के स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लूट वाला पार्ट आता है, हम लोग उसको स्किप करेंगे क्योंकि वो लिरिक्स के जैसा ही है. सो विल स्टार्ट विद द लिरिक्स डायरेक्टली. आप कोरस लिखा हुआ दिख सकते हैं आपके नोट्स में. सो फर्स्ट करते हैं येलो कलर. सो येलो कलर में आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, ई डी सी. ठीक है, अगर आपको पता नहीं कि ई नोट कौन सा है तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ. आपके कीबोर्ड पे आपको दो ब्लैक कीज साथ में दिख रही होंगी, फिर तीन ब्लैक कीज, राइट. दो ब्लैक कीज, तीन ब्लैक कीज, दो ब्लैक कीज, तीन ब्लैक कीज. सो दो ब्लैक कीज है उसका पहले वाला नोट, ये दिस इज ऑलवेज सी नोट. जब भी मैं नोट बजाऊंगा तो आपको ऊपर से नोट फ्लाई करते हुए दिखेगा कि मैंने कौन सा नोट बजाया हुआ है, राइट. सो दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, एफ एंड जी. ठीक है, देन यू अगेन स्टार्ट विद द ए, ए बी सी एंड सो ऑन. ठीक है, सो फर्स्ट लाइन इज सिंपल, आपको तीन नोट्स प्ले करना है. सो थर्ड फिंगर आप रखेंगे ई नोट पे, बस एक फिंगर पीछे जाना है डी और एक फिंगर पीछे एंड यू गेट सी. अब आपको इसको प्ले करते वक्त इसको रैंडमली कैसे भी नहीं प्ले करना है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर ऐसे नहीं. आपको गाने के रिदम को समझना है. सो गाना कैसा है, करेक्ट. सो रिमेंबर द सॉन्ग, गाने को आप मन के मन में गाते रहिए एंड ट्राई टू रिलेट दैट. ओके, सो आई प्ले इट स्लो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, देन यू रिपीट दिस सेम पार्ट वन मोर टाइम. सो दैट्स अवर येलो कलर, सिंपल. आप देख सकते हैं कि सी वाला नोट थोड़ा सा लंबा है, राइट. सो ई डी छोटे, सी थोड़ा सा लंबा है. उसके बाद ग्रीन कलर इज सिंपली टू नोट्स, ये थोड़े से फास्ट है. तो इनको ऐसे ना करते हुए थोड़ा सा फास्ट करना है. सो नाउ वी हैव, दैट्स द फर्स्ट लाइन. उसके बाद प्रीटी मच डन, लाइक मोस्ट ऑफ द सॉन्ग में यही बार बार रिपीट होता है. तो आप इसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, रेस्ट ऑफ द सॉन्ग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा. सो ये पार्ट आप फर्स्ट टाइम करते हो. उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसके लिए फिर से सेम पार्ट रिपीट करना है जो कि येलो एंड ग्रीन में दिखा हुआ है. ये पार्ट को और एक बार रिपीट करना है. सो सेम पार्ट यू हैव टू रिपीट थ्री टाइम्स. ठीक है, इसको एक साथ प्ले करते हैं. ठीक है, अब आता है बार नंबर फोर पे, ब्लू कलर पे. तो कुछ नहीं करना है, बस सी डी की जगह उसको उल्टा प्ले करना है, डी और सी, सिंपल. उसके बाद और एक ग्रीन कलर है जिसमें फिर से सी डी प्ले करना है. उसके बाद फिर से ब्लू कलर जिसमें डी सी प्ले करना है. ठीक है, सो बार नंबर थ्री से हम लोग प्ले करेंगे. सिंपल है, मैं कलर के हिसाब से बोलता हूँ, येलो,
ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट, सो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने सी प्ले कर रहे थे उसके पीछे जाना है, ठीक है। थंब से प्ले करना है एफ नोट, सेकंड फिंगर से जी नोट, ये दो नोट्स बेसिकली, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ फिंगर से आप कर सकते हो सी एंड डी। एफ एल आप चाहो तो फोर्थ और फिफ्थ से भी कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये पार्ट थोड़ा सा फास्ट है, ये तरीके से, ठीक है। सो उसके बाद फिर से मेरा ना पार्ट वाला रिपीट होता है फिर से। सो जैसा कि आप देख सकते हैं येलो कलर फिर से सेम है। उसके बाद ग्रीन के लिए बस ये दो नोट प्ले करना है, बी फ्लैट विच इज दिस ब्लैक की, दो ब्लैक की, तीन ब्लैक की में से लास्ट वाली ब्लैक की, राइट, एंड देन ए। तो इसको प्ले कैसे करेंगे, उसके बाद आपको ऐसे टर्न करना है, ठीक है। और सेकंड या थर्ड फिंगर आप रख सकते हो ये बी फ्लैट पे, एंड देन फर्स्ट फिंगर से ए। बट लास्ट के तीन नोट स्लो है, ठीक है। सो आप वो एनिमेशन को देखते रहिए कि उसकी लेंथ कितनी है, वो लेंथ के हिसाब से आपको आइडिया आते रहेगा कौन से नोट को छोटा प्ले करना है, कौन से इसको लंबा प्ले करना है। नाउ बार नंबर सिक्स, फिर से येलो पार्ट रिपीट करना है, सिंपल। लास्ट रेड वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जो पूरा रेड पार्ट है वैसे सुनाई देगा, आसानी है। सी पे थंब रखेंगे, प्ले करेंगे सी डी ई एफ, सीधे चारों उंगलियां प्ले करनी है। फिर जाएंगे रिटर्न, प्ले करेंगे ई एंड डी विथ थर्ड एंड सेकंड, सो नाइस एंड स्लो, ठीक है। फिर बस उसको स्पीड अप करना है, एंड दैट्स योर होल रेड पार्ट। फिर यहाँ से म्यूजिक वाला पार्ट चालू होता है, जहाँ पे फ्लूट का म्यूजिक है, ठीक है। सो बट वो जो फ्लूट वाला पार्ट है ना, वो तुरंत चालू होता है। सो जैसे ही आलाप वाला पार्ट खत्म हुआ, एकदम तुरंत से फ्लूट वाला म्यूजिक चालू हो जाता है। एंड फ्लूट वाला म्यूजिक इज वेरी सिंपल, यू प्ले दैट येलो पार्ट, ठीक है। फिर वो तारा तारा वो वाला पार्ट करेंगे, और फिर से वो एफ जी सी डी वाला पार्ट, दैट्स इट। तो जो हमने गाने में प्ले किया वही रिपीट करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो म्यूजिक वाला पार्ट में एक बार प्ले करता हूँ, दैट्स इट। ये म्यूजिक के बाद हम लोग आते हैं वर्स नंबर टू पे, या फिर जिसको अंतरा भी बोल सकते हैं। सो अंतरा भी प्रीटी मच सेम ही है, बस कुछ पार्ट ज़्यादा बार प्ले किए जाते हैं, कुछ पार्ट ज़्यादा रिपीटेड है। सो वर्स का स्टार्टिंग तो एग्जैक्टली सेम है जैसे बिगिनिंग में था, तो उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते उसको हम लोग सीधा सीधा प्ले करते हैं। आप मेरे साथ प्ले करने का ट्राई कीजिए, आपको नोट्स ऊपर दिखते रहेंगे। सो पहला लाइन बार नंबर 9 and 10, बाय द वे आप लिरिक्स ऊपर देख सकते हो, ठीक है, लिरिक्स नोट्स के ऊपर लिखे हुए हैं। फिर बार नंबर 10, बार नंबर 11, सो सेम टाइम सेम चीज तीन बार। उसके बाद बार नंबर 12, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। ऑलराइट, तो अभी आगे बढ़ते हैं बार नंबर 13 पे। अगेन वो सेम येलो एंड ग्रीन वाला पार्ट आप तीन बार रिपीट करेंगे। बार नंबर 14, उसके बाद बार नंबर 15, आखिरी में वो हम लोग टाड़ा टाड़ा वो पार्ट पे आ जाते हैं। सो अभी हमने जो चार लाइन सीखी है वो मैं एक बार प्ले करता हूँ। Thank you.
ठीक है, हम आते हैं लास्ट दो लाइंस पे, अगेन येलो एंड ग्रीन पार्ट, बट ग्रीन पार्ट थोड़ा सा अलग है, आपको प्ले करना है बी फ्लैट ए जो हमने स्टार्टिंग में किया था. सो येलो टर्न बी फ्लैट ए, ठीक है, उसके बाद अगेन येलो, और जो हमने बिगिनिंग में आलाप वाला पार्ट किया था सेम पार्ट रिपीट करना है, ठीक है. सो लास्ट लाइन अगेन येलो एंड ग्रीन रिपीट करेंगे एंड देन. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में. अगर आपको कोई पर्टिकुलर गाना सीखना है तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करें. थैंक यू वेरी मच.